हैं आज खीरा की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे छोटे पीस में खीरा को कट कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लीजिए आप 2 चम्मच तेल, और तेल गरम कर लीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए जीरा, 1/2 चम्मच जीरा डालिए, और फिर यहाँ पर डाल दीजिए आप 4 से 5 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इन सबको अच्छी तरह से आप भून करके ले लीजिए। उसके बाद अपने कटे हुए खीरे डाल दीजिए और खीरा को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे ढक दीजिए और ढक करके करीब 2 से 3 मिनट इसी तरह से रहने दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद आप ढक्कन हटाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए मूंगफली पीसी हुई। यहाँ पे मैंने मूंगफली को अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे जब तक कि खीरा अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए हमारी खीरा बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और ये पक के तैयार हो गई। इसे पकाने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।